अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज हम लोग बनाएंगे कैबिज के पकौड़े बनाएंगे। कैबिज पफ पीस को कह सकते हैं आप। तो उसके लिए मैंने लिया है आधा किलो का, ये लिया है मैंने एक पीस, इसको भी मैं छोटा छोटा काट लेता। ये देखिए, इसमें से जो ये सॉफ्ट वाला पार्ट है ये मैंने निकाल दिया, बाकी अभी इसको मैं ब्रिक ब्रिक काट लेता हूँ सारे में। ये देखिए, बंद गोभी मैंने काट लिया बारीक बारीक, और ये ऊपर ये 2 लीटर मैंने पानी रखा था, ऊपर बॉयल होने के लिए हल्का सा गर्म हो गया। इसके अंदर भी ये कैबेज मैं सारी डाल रहा हूँ, तो इसको 10 मिनट के लिए हम लोगों ने पकाना है। उसके बाद फिर इसको जिप करके अच्छी तरह इसका पानी ड्राई करके फिर आगे का प्रोसीजर करेंगे। ये देखिए, इसके लिए मैंने 2 छोटे प्याज लिए, इसको छोटा छोटा काट लिया मैंने, और 3 जो लिए मैंने इसके लहसुन के, अब इसको भी बारीक बारीक काट लेता हूँ। ये देखिए, मैंने एक पैन लिया, उसके अंदर मैं बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डालूंगा, और ये जो मैंने प्याज काटे थे 2 बारीक बारीक, ये इसमें डाल के इसको हल्का सा फ्राई करते हैं। ये देखें, और हल्का सा फ्राई होगा तो फिर इसको हम लोग जो प्याज है हल्के से पक गए हैं, अभी इसके अंदर मैं डालूंगा ये लहसुन, फिर 3 जो है मैंने बारीक बारीक काट लिए थे, इसको हल्का सा फ्राई करते हैं। इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस हल्का हल्का फ्राई करना है, बस उसको फिर उतार लेते हैं। हमारा प्याज जो है ना तकरीबन हल्का सा फ्राई हो गया, अभी इसको मैं नीचे उतार लेता हूँ। 10 मिनट हो गए हैं, अभी इसको मैं नीचे उतार के जिप कर लेता हूँ। हमारी 10 मिनट के लिए बॉइल की थी मैंने, अभी इसमें से जो पानी ऐसे दबा दबा के सारे इसका पानी में निकाल दूँगा, ताकि जब हम लोग इसकी पकौड़े बनाएँ तो वो उसमें पानी ना आए। बंद गोभी मैंने ड्राई कर ली अच्छी तरह, तो अभी इसके अंदर मैं डालूँगा 2 अंडे, उसके बाद इसमें मैं डालता हूँ, अभी मैं 1 टीस्पून मैं डाल रहा हूँ इसमें रेड चिली पाउडर, उसके बाद 1/2 चम्मच इसमें डाल रहा हूँ मैं काली मिर्च पिसी हुई, चिली फ्लेक्स डाल रहा हूँ 1/2 चम्मच, और नमक मैं डाल रहा हूँ 1 टीस्पून, और इसको भी मैं मिक्स करूँगा। ये देखें, इसको मैं मिक्स कर रहा हूँ अभी, तो ये मेरा मिक्स हो रहा है। उसके बाद इसमें मैं डालता हूँ कॉर्नफ्लोर पाउडर, लिया है मैंने 60 ग्राम तकरीबन, 4 चम्मच बनते हैं बड़े, 4 या 5, वो इसमें मिक्स करूँगा मैं। ये मेरा मिक्स हो गया, अभी इसमें डालता हूँ कॉर्नफ्लोर पाउडर, लिया है मैंने 60 ग्राम है तकरीबन, इसमें मिक्स कर देता हूँ। प्याज और लहसुन फ्राई किया था वो भी इसी के अंदर डाल रहा हूँ मैं, और अभी इसको मैं हाथों से मिक्स कर रहा हूँ, इसलिए कि ज़रा हाथों से अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा, सारी चीज़ें जो है ना अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी, इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। देखो, ये देखिए जी, मैंने फ्रेश योगर्ट लिया है 300 ग्राम, और 1 प्याज लिया है, और ये 3 जो है थोम के मैंने लिए हैं, 1 प्याज 3 जो है थोम के मैंने लिए हैं। अभी इसको मैं इसके अंदर डाल के तो इसको पेस्ट इसकी बना लेता हूँ, और फिर ये सब कुछ दही में मिक्स कर दूँगा। मैंने जी 1/2 चम्मच जीरे का डाला है, तो लहसुन की ये पेस्ट बन गई है, अभी इसके अंदर मैंने डाल दिया, तो इसके अंदर भी मैं डालूँगा 1 चम्मच नमक का। ये देखिए, 1 चम्मच नमक का डाल दिया मैंने, इसको भी मिक्स कर लेता हूँ। ये हमारा योगर्ट बन गया है इसके बंद गोभी के पकौड़ों के साथ खाने के लिए। देखिए जी, मैंने एक पैन लिया है, अभी इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल डालता हूँ, हल्का सा गर्म हो गया है, अभी इसके अंदर मैं डालता हूँ जो हम लोगों ने कैबेज के बनाए हैं। ये देखिए जी, इसको मैं अभी इसको बनाते जाते हैं सारे, कोशिश करते हैं कि एक जैसी शेप है सबकी। देखिए जी, ये डाल रहा हूँ अभी ऐसे बनाए, एक जैसे कर दी,
ये देखिए जी, मेरे बंद गोभी के पकोड़े बन चुके हैं। इसके साथ मैंने दही बनाया है, उसकी भी रेसिपी डाल दी है इसके साथ ही, तो आप भी घर पे बनाएं, इंशाल्लाह ताला बहुत पसंद आएंगे। ये समझ लें कि 80 रुपीज़ के अंदर ये सब कुछ बन गया है। ये देखिए, आप ये घर पर बनाएं, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।